पिछौर के जनपद कार्यालय के सभागार में प्रशासन के द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। नवदुर्गा महोत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में पिछौर एसडीएम ब्रजेंद्र सिंह यादव, एसडीओपी दीपक तोमर, थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर, तहसीलदार अखिलेश शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विकास पाठक उपस्थित थे। साथ ही बैठक में नवदुर्गा महोत्सव की समिति के सदस्य व पत्रकार बंधु गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। नवदुर्गा महोत्सव को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें सबसे मुख्य बिंदु माता का विसर्जन वाले दिन जल समारोह में डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। पिछौर एसडीएम ब्रजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि गणेश महोत्सव के समय पिछौर में तेज आवाज वाले डीजे बजे थे, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती थी। इसकी शिकायतें हमारे पास आई थी। इस बार नवदुर्गा महोत्सव के चल समारोह में डीजे प्रतिबंधित रहेंगे। अगर कोई डीजे लेकर आता है तो उस पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। चल समारोह में बैंड बाजों ढोल बाजे के साथ अगर चल समारोह निकाला जाता है तो प्रशासन कार्यवाही नहीं करेगा। चल समारोह में अगर कोई डीजे बजता पाया गया तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। सर, आज नवदुर्गा महोत्सव के उपलक्ष्य में शांति समिति की बैठक की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नगर परिषद पिछौर अंतर्गत आने वाली नवदुर्गा समितियों की आज बैठक ली गई। इसमें अन्य जनप्रतिनिधि भी बुलाए गए। सभी जनप्रतिनिधियों और समितियों द्वारा यह सहमति दी गई है कि हम नवदुर्गा जो महोत्सव मनाएंगे उसमें तेज आवाज से जो अभी तक डीजे बजाने की जो प्रथा रही है अब नहीं बजाए जाएंगे। हम अपने स्तर से भी आदेश जारी कर रहे हैं कि ऐसे डीजे हम प्रतिबंधित करेंगे, तथा हम अपने नगरवासियों से भी निवेदन करेंगे कि इसमें वो प्रशासन का सहयोग करें। तो डीजे टोटल प्रतिबंध रहेंगे? डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। जिस प्रकार से गणेश महोत्सव में बहुत तेज आवाज़ से डीजे बनाए गए, बराबर शिकायतें आएंगी, अतः उन पर कार्रवाई की जाएगी जिनकी शिकायतें प्राप्त होंगी।